क्या नाम आपका? ये अभी हम लोग बर्गर की बीन्स में हैं और ये एमएडी यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है। तो हमारे साथ अभिषेक पवार जी हैं जो कि एमएटी यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं और समाज सेवी भी हैं, और आज हम इनसे कुछ बातें जानना चाहेंगे जो किसानों से रिलेटेड हैं। और ये खुद किसान के पुत्र हैं, तो खुद किसान का परिवार एक अच्छे तरीके से अपने बारे में बता पाएगा कि क्या समस्याएं वो फेस कर रहे हैं। तो बताइए अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, माननीय पीयूष जी। देखिए, आज जो मेरे समाज की स्थिति है ना, वो बड़ी दुर्लभ है। और दुर्लभ कैसे है, अगर मैं किसानों की स्पेशल रूप से बात करूं, मैं महिलाओं के सुरक्षा की बात करूं, तो मेरे देश में जब मेरा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ, मेरे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया और एक उम्मीद लगाई कि मेरे देश का गरीब किसान मजदूर जो है वो बदलेगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को विकसित करेगा। सरकारें बनती गई, बिगड़ती गई, किसी का बहुमत ज़्यादा आया, किसी का कम आया, लेकिन किसान के लिए कुछ, लेकिन किसान और महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो, व्यापारी हर एक क्षेत्र में, अगर मैं बात करूं तो हर एक क्षेत्र में बड़ा ही सोचने विषय मेरे देश में की सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है। सबसे पहले तो मैं सुरक्षा की बात करूं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में फर्क पड़ा है। जब उत्तर प्रदेश में सन 2017 में मेरे देश की और प्रदेश की जनता द्वारा इस पर देश के सबसे बड़े प्रदेश की महापंचायत में 325 विधायक भेजकर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाई थी, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा है। सुरक्षा में फर्क पड़ा, सुरक्षा में फर्क पड़ा है। जब पूर्व में समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी सरकार में क्या होता था, मेरी बहनें घर से निकल नहीं पाती थी, वो सुरक्षित नहीं थी। आज इतना तो है कि मेरी बहन और बेटी सुरक्षित घूम सकती है। और रही बदमाशों की बात, रही असामाजिक तत्वों की बात, तो उनको भी जेल में भेजने का उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया। और इस बार जो जब से योगी सरकार आई है तो गुंडों का जो इनकाउंटर है डायरेक्ट, मतलब एक तरीके से न्याय हो रहा है, स्पीड बढ़ गई है, इनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या तो कभी कभी इस चीज़ को अगर तो फ़ायदा भी उठाया जा रहा है कभी कभी। देखिए, सवाल ये नहीं है इनकाउंटर हो रहा है, सवाल ये है कि अपराध मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, सवाल ये नहीं है। उसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी ना, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को काम करना पड़ेगा। मैं केंद्र की मैं अगर जाऊँ तो मेरे देश में सबसे ज़्यादा राज अगर किसी सरकार ने किया तो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस का आपने एक नीति देखी होगी, कांग्रेस की नीति क्या रही है, और ये समझने की बात है। जब मेरे देश के किसानों पे कर्जा हुआ तो उनका कर्ज माफ कर दिया गया, समाधान तो नहीं है। जब स्कूलों की बात आई और रोजगार की बात आई तो 10वीं पास लोगों को शिक्षा मित्र बनाने का काम कर दिया भाई। रही मजदूरों की बात, उनका ध्यान भटकाने के लिए एक मनरेगा योजना शुरू कर दी, जिसमें क्या हुआ, उसमें लोगों को गेहूं फ्री मिलता है, पैसा दिया जाता है और अपने घर बैठा रहता है। इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम किया, लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा की कि अब हमें कुछ नहीं करना है। और ये कहीं ना कहीं बड़ा ही निंदनीय विषय है। कर्ज माफी एक तरीके से उन लोग को असहाय मनाता है। हाँ, कर्ज लेके काम करो। बिल्कुल, अरे स्वामीनाथन माने मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि मैं जब आऊँगा सन 2014 के इलेक्शन में प्रथम मंत्रिमंडल की मीटिंग में, उन्होंने वादा किया था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूँगा। उसमें क्या था रिपोर्ट में? स्वामीनाथन रिपोर्ट में एक है कि किसानों को उसके वाजिब दाम मिले और उसकी फसल का डेढ़ गुना दाम
किसानों को दिया जाए, ये था। दूसरा सिंचाई व्यवस्था तो सही हो, रिपोर्ट लागू हुई कि नहीं, वो लागू नहीं हुई। सन 2006 में स्वामीनाथन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हुआ करते थे, उन्होंने वो रिपोर्ट शासन को भेजी, लेकिन उसको जो है न लागू न करने का काम किया मेरे देश की सरकार ने। अभी तक बीजेपी में, अभी बीजेपी में भी नहीं हुआ है। पूर्व की सरकारें, जब पूर्व में मनमोहन सिंह जी की दोबारा सरकार बनी तो इसी मुद्दे पर बनी थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी। फिर उत्तर प्रदेश केंद्र में फिर दोबारा सन 2014 में इलेक्शन आता है, उसमें भी यही कहा जाता था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, लेकिन नहीं। फिर बात आती है MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप उसको उठा के देख लीजिए। 25 फसलों पे MSP तय किया जाता है, जिसमें दो फसलों को मुख्य प्राथमिकता दी जाती है, धान और गेहूं को। लेकिन अगर बात करें फसल को बेचने का, फसल को देने का, तो हमारे देश में भंडारण व्यवस्था है नहीं, कोई एक डायरेक्ट विंडो नहीं है जिसके थ्रू किसान सीधा मार्केट में पहुंच रहा है। बीच में जो दलालों भी, बहुत सारे दलालों को ख़त्म किया है, दलालों को ख़त्म किया है, लेकिन हैं अभी बहुत सारे। अब क्या है, अब वही बात है कि राजा अच्छा है, लेकिन जो उसके सामने उनके मंत्री या विधायक, वो छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं। अब स्थिति क्या हुई, मोदी जी ने कहा कि मैंने दलाल प्रथा खत्म कर दी, मानता हूँ की है और बहुत हद तक हुई भी है, लेकिन जब किसान, अब मैं सबसे पहले तो मेरा एक सरकार से सवाल भी है, हर एक सरकार से रहता है, जब से सोचने समझने लायक हुआ हूँ तब से एक सवाल मेरा हमेशा रहता है। सवाल मेरा ये है, जब 1978 में एक किसान का जो एक क्विंटल गेहूं हुआ करता था वो 78 रुपये क्विंटल ही हुआ करता था 1978 में, उस टाइम शिक्षक की, एक प्राइमरी शिक्षक की, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन 110 या 120 रुपये प्रति माह उनको तनख्वाह मिलती थी। आज सन 2019 है, उसको आप उठा के देखिए, आज वही किसान के जो गेहूं की कीमत है 1700-1800 रुपये क्विंटल है, और 7th पे कमीशन को उठाइएगा, वही शिक्षक की, प्राइमरी शिक्षक की 35,000-40,000 पर माह, 300 से 380% उनका बढ़ा और किसानों का नहीं बढ़ा, ये सबसे सोचने विषय। जबकि वही हमारा मेन शुरुआत, हमारा वही रहा है, वही कल्चर रहा है, वही खिलाते हैं, वही खिलाने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को साइड लाइन करने का काम हमारे देश की सरकारों ने किया। पहले इन्हीं की वजह से GDP हमारी बहुत बढ़ती थी, और आज ये बहुत छोटा हिस्सा है। नहीं, GDP की आप बात देखिएगा, GDP में 17% हिस्सेदारी किसान रखता है, लेकिन उसमें आज GDP का 0.5% भी किसान को नहीं मिलता। वो मेरा सवाल है, एक बात को और लेके, मेरे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जितना खर्च होता है, 12 लाख रुपए एक दिन में खर्च होता है मेरे देश के राष्ट्रपति पे, 27 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है मेरे देश के राष्ट्रपति पे, 66,000 करोड़ रुपए, ये बताता हूँ अभी, 66,000 करोड़ रुपए मेरे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, विधायक, मंत्री, सांसद, उनके ऊपर खर्च होता है। 7th पे कमीशन में अपना तनख्वाह बढ़ाने का काम किया विधायक और मंत्रियों ने, तो भत्ता मिलता है। आप एक चीज उठाइएगा 7th पे कमीशन में, और मैं किसानों से रिलेट करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, अभी बताइए भाई साहब, क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को 21,000 रुपये एक साल का कपड़े धोने का मिलता है। 7th पे कमीशन में ये है, 7th पे कमीशन की रिपोर्ट में ये है, 3155 रुपये एक महीने का पढ़ने का भत्ता मिलता है एक बच्चे को जज के पढ़ाने के लिए। अरे, किसान को कपड़े धुलने के लिए भत्ता नहीं चाहिए, उसको उसकी फसल का 1.5 गुना दाम दे रहे हैं, लेकिन सरकारें आज भी गलत तरीके से हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने का काम कर रही है। सब सरकारें करती है, मैं किसी एक विशेष सरकार को लेके तो नहीं कहूंगा, सब सरकारें करती है, चुनाव आता है, किसानों की बात होती है, कर्ज माफी की बात होती है, बिल आप करने की बात होती है। आपने एक बात देखी होगी, अभी एक FDI में कंपनी आती है वॉलमार्ट, उसको आप देखना,
55,000 करोड़ रुपए का जब उत्तर केंद्र में कपिल सिब्बल ने बजट पास किया था उसके बारे में एफडीआई को लेके आए थे, उसके बाद उसकी जो व्यवस्था है मेरे देश की एक साल की खुदरा बाजार की व्यवस्था आप देख लें, खुदरा बाजार और टर्नओवर एक साल का मेरे देश का और इतना ही वॉलमार्ट कंपनी का है एक साल का। आप ये देख सकते हैं मेरे देश का पैसा किस तरीके से बाहर की कंपनियों पे जा रहा है और सरकारें कहती है कि हम निवेश करने का काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया। मैं किसी सरकार को तो नहीं पॉइंट करूँगा लेकिन ये समझने की बात है और मेरे गरीब किसान मजदूरों को ये समझने की मुख्य बात सबसे पहले, मतलब देश का पैसा सही जगह पे ना के बाहर जा रहा है। दूसरी फिर इन लोगों की एक नीति और बन गई है जिस तरीके से अमेरिका उस नीति पे चला और वहाँ का मैं अगर बात करूँ चीन की, हर अमेरिका की बात करता हूँ सबसे पहले, हर एक घंटे में कि किसान खेती छोड़ के जा रहा है, जो बाकी किसान बचा है वो जो किसान है वो सब्सिडी पे जीवित है। तो हमारे देश की सरकारों की भी नीति यही बनती जा रही है, क्या नीति बनती जा रही है, जो किसानों की भूमि है उपजाऊ उनको बाहर से कह दिया जाता है कि हम निवेश कर रहे हैं, बाहर से कंपनी आती है, भूमि अधिग्रहण हो जाता है एक तरीके से। और मेरा एक सवाल फिर एक और है, अगर वो देते हैं, अगर कोई किसान कर्ज लेता है उसकी भूमि को बैंक रख लेता है, उसकी भूमि बैंक के पास हुई, वो कर्ज दे दे ब्याज सहित तो उसकी भूमि उसको वापस लौटा दी जाती है। जब किसान यहाँ पर देश में निवेश होता है और वो किसानों की ज़मीन खरीदी जाती है, किसानों को उसका एक बार पैसा दे दिया जाता है और किसान नहीं अपनी देना चाहता है तो उसको लाठी डंडे जोर जबरदस्ती उसे छीन लिया जाता है। किसान को एक बार पैसा देके छुट्टी, या तो भाई उन कंपनियों का में भी शेयर किसानों का रखा जाए 5% 10%, जिससे कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। आपने एक बार मुआवजा दे दिया 20 लाख 30 लाख 40 लाख, क्या कर सकता है भाई? जब आप ब्याज लेने का काम कर सकते हैं तो क्या कंपनियों से किसान ब्याज लेने का काम नहीं कर सकता? और ऐसी सारी जमीनें ले ली जाएंगी तो किसान खेती कहाँ करेगा? और फिर वही बात है कि ये किसानों को मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। जब हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड थी शुरुआत से थी, अब वो सेक्टर घटता जा रहा है, सर्विस सेक्टर आगे बढ़ता जा रहा है और किसान भी फिर सुसाइड करेंगे, किसान ही छोड़ेंगे, वो भी शहर में आएंगे, बाकी सब करेंगे, खत्म हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं व्यापारी पर भी लेके आऊँगा इस बात को, सरकारें कहती हैं कि हमने एफडीआई में वॉलमार्ट कंपनी को भी लेके आई और बहुत एफडीआई के थ्रू हमने जो है अपने 40 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। मेरा एक सवाल फिर है, चाहे कोई भी सरकार हो भाई, 1.5 करोड़ जो छोटे व्यापारी है वो कहाँ जाएंगे? आपने 40 लाख तो आपने नौकरी दे दी लेकिन जो छोटे व्यापारी है वो कहाँ जाएंगे? सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखना चाहिए, कोई बड़ी ठीक है। और फिर हम ये सवाल ये करते हैं कि सरकार, मैं भी समझता हूँ सरकारों का नौकरी देने का काम नहीं है, हमें खुद से करना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो हो। शिक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं चरमरा गई है, शिक्षा व्यवस्था आप गाँव में जाइएगा खाना देते हैं बच्चों को, अरे नहीं आवश्यकता है, एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। मेरी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हुई, आज मेरी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, किसानों का पेमेंट नहीं आता, किसान फांसी लगाने का काम कर रहे हैं, मेरी बहनें जिनकी शादी नहीं हो पाती, बच्चों की फीस नहीं जा पाती, ये व्यवस्था है आज किसानों की। और ये आने वाले टाइम में इतनी बुरी व्यवस्था हो जाएगी किसानों की, इतनी बुरी अवस्था में किसान आ जाएगा, तो इसका आप समाधान बताइए। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है, जिस तरीके से हर एक अगर कोई व्यापारी कोई माल बनाता है, आप समझ के चलिएगा ये हम कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, ये व्यापारी ने बनाई, व्यापारी ने इसकी कीमत रखी 500 रुपये, तो ये 500 में व्यापारी बेच रहा है, उसको अपने रेट तय करने का अधिकार है, लेकिन किसानों के लिए ही क्यों उसको रेट तय नहीं करने दिया जाता? अगर कोई गन्ने की फसल बोता है तो अपने तरीके से रेट तय करे, कोई अपने खर्चे के हिसाब से रेट तय करे। अब किसी को भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे तो रेट खुद अपने आप तय करता है, लेकिन किसानों की बात है तो किसानों में जो है रेट तय करती है सरकार, जो कि नहीं होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा मैं आदिवासियों की बात करूँगा, वो भी कहीं ना कहीं किसानी करते हैं, गाँव में पिछड़े लोग, वो रूरल एरिया की मैं बात करूँ, वहाँ पे जो सरकारों की बंजर भूमि पड़ी है और जहाँ पे वन काटने का उनको दिया जाए आदिवासियों को,
कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करे। तीसरा रेट से 4% साधन कम मिले किसानों को और एक व्यवस्था कर दी जाए। आप कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, नहीं चाहिए हमें, अरे नहीं चाहिए हमें, आप एक काम कर दीजिए उसके सीड्स उसको उधार दीजिए जब तक उसके फसल का पैसा नहीं मिलता है, ठीक। जब उसका फसल का पैसा मिल जाए तो आपको उधार दे दे वापिस कर देगा आपका बैंक का पैसा, ये होना चाहिए। दूसरा भूमि सुधार हो, सिंचाई व्यवस्था बढ़े। अब सरकारें कहती हैं कि भाई मैंने सिंचाई व्यवस्था बढ़ा के अपने देश के किसानों की आय दोगुनी कर दी है, नहीं की है। अब आप एक सवाल आपसे मैं करूंगा मान्यवर, जब कोई व्यक्ति फ्लाईओवर पे चलता है वो उसकी ज़रूरत है और फ्लाईओवर पे चलता है तो चलने के लिए जाम से जाएगा, उसको लेट हो जाएगा, तो उसकी आवश्यकता है ना फ्लाईओवर पे चलना, तो क्या फ्लाईओवर पे चलने से उसके जेब में उसकी आय दोगुनी हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, नहीं होगी ना। इसी तरीके से किसानों का अधिकार है सिंचाई व्यवस्था, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसे दिया तो हमारा जो आय बढ़ गई, नहीं, वो किसानों की अधिकार है किसानों का। अगर कोई बॉर्डर पे जवान लड़ाई लड़ता है उसको अगर आप बंदूक ना दे क्या वो लड़ पाएगा, नहीं। तो किसानों को उनकी सिंचाई व्यवस्था दी जाए, राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाया जाए जिससे कि किसानों को सुना जाए, किसानों को देखा जाए। देखो अब तक आज तक सरकारें कहती आई लेकिन नहीं बने कमीशन, कह देती है भाई हम बनाएंगे लेकिन कोई नहीं बना पाता है। प्राकृतिक आपदा कोष बने, उसमें किसान की तो गलती नहीं है, प्राकृतिक आपदा पड़ती है। जब आप एक बात बताइए, आप लोग भत्ता देते हैं, टीचर हुआ पुलिस वाले सबको भत्ता मिलता है, उनको बीमार हो जाए फ्री में हॉस्पिटल भी जाता है, सब चीज़ें होती हैं। तो किसानों को उसका जो प्राकृति जो प्रकृति से जो आपदा आती है उसका कोष दिया जाए और लोन के लिए जोर ना दिया जाए, और यही सब चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे जो अभी किसान का कार्ड वार्ड भी कुछ बना है, वो लोग अपने कार्ड से क्रेडिट ले लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ। मानता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड दिया है लेकिन फायदा भी है उसका, लेकिन जब किसान उसको नहीं दे पाता है, उसकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलता है, तो कहाँ से वो जमा करेगा किसान क्रेडिट कार्ड। उसी में MSP जो तय करता है, CAPCS कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये भी नाम का रह गया है। MSP आप उठाइए भाई साहब, आप देखिए किस तरीके से उनके साथ धोखा, उनके साथ छल हो रहा है। या तो एक मेरी तरफ से भी समाधान एक है जी, या तो जैसे इतना ही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है तो उनको भी थोड़ा शिक्षित बनाया जाए, वो लोग भी थोड़ा शिक्षा के ऊपर स्तर होना चाहिए। देखिए इस्तेमाल करके नई नई सुविधाओं का लाभ स्तर नहीं पहुँच चुका है। आज मैं समझता हूँ मेरे देश की एक उपलब्धि रही है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी गांव तक पहुँची है। आज रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी एक एंड्रॉयड फोन यूज करता है, जियो का भी नेट इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें उनका ध्यान अगर कहीं पहुंचाना है उन लोगों का, तो सबसे पहले ध्यान पहुंचाना है शिक्षा की ओर। आज क्या है, बहुत लोग किसान अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं सिर्फ इसलिए कि खेती में उनको लगता है वह स्कोप नहीं है, यहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन कैसे पढ़े, ये भी तो सवाल है, उनका बच्चा पढ़े तो पढ़े कैसे, मजबूरी है भेजना, क्योंकि बात यह है कि पढ़ाना तो ठीक है, काम के लिए बाहर भेज। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा। मेरे पिताजी की का स्तर नहीं है कि मुझे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ, लेकिन किस किस तरीके से मैं यहाँ पहुँचा और मुझे यहाँ भेजा। मेरे पिताजी का स्तर नहीं है कि वो मुझे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाए, और ये व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए कि मंत्री का बेटा एक अच्छे कॉलेज में और किसान का बेटा एक छोटे कॉलेज में, सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए, और बराबर का दर्जा मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरा देश। और खेती को भी एक इस तरीके से बढ़ाना चाहिए, सुविधा ऐसी या फिर एक माहौल ऐसा लाना चाहिए कि खेती में भी लोग अपना फ़ायदा अच्छे से निकाल पाए, प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह उसको लेना चाहिए। जैसे क्या होता है, बहुत विदेशों में ऐसा होता है खेती करके लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उनके पास तरीके हैं, उनके पास सामान है, समाधान है, और हर चीज़ का साधन है। सबसे पहले ये सब चीज़ें हल हो जाएगी,
किसान को उसकी फसल का दाम तय करने का तय करने का अधिकार दे दिया जाए कि किसान अपना दाम खुद तय करेगा, दाम तय करेगा, दाम मिलेगा तो उससे और अच्छा साधन आएगा, साधन आएगा वो आगे बढ़ेगा और एक्सपेंड करेगा और बड़े स्तर पे खेती करेगा। बस यही होता है। और अब इलेक्शन आ रहा है, सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही है। अभी एक मैं तो पप्पू कहूंगा, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। 72,000 रुपए सालाना देने का वादा कर लिया। क्या सोचा कि 72,000 रुपए देंगे तो देंगे कैसे? कहां से आएगा? मैं गलतियां करता हूं, मैं आरएस के, मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं। आप जीडीपी उठा के देखिएगा, जीडीपी कहां पहुंचेगी, ये समझने की बात है। हाँ, वो एक दिमाग का ही खेल है। मोदी जी ने 2,000 रुपए दिए, सराहना करता हूँ उस कार्य की, 2,000 रुपए किसानों के खाते में पहुँचाने का काम किया। एक वो पेंशन वाला था जो हमको पत्रकारपुरम मार्केट में मिला, एक आदमी वीडियो में मेरी होगा, उन्होंने कहा था कि मनोहर खट्टर कहाँ के हैं, वहाँ के ना, हरियाणा के, वो वहाँ से आते, कहते हैं खट्टर ने हमारा वृद्धा पेंशन बढ़ा के 2,000 से 3,000 कर दिया, तो वे बीजेपी की सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार रही है, काम अच्छा करती है, सबका सोचती है, करती भी है, सबका साथ सबका विकास किसी करती भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आज भी अगर उठा के देखी जाए। सबसे मुख्य प्राथमिकता तो मेरे हिसाब से, अब सबका अलग अलग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है, किसी और फील्ड में, लेकिन अगर किसानों का और मजदूरों का इस देश में भला होगा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ मेरा देश अमेरिका से ऊपर जाएगा। किसी जमाने कृषि प्रधान देश, किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज रंग की चिड़िया भी नहीं है मेरा देश। अरे आके अंग्रेज लूट के ले, कुछ बचा कहाँ है आप? उनके साथ असामाजिक तत्व गलत कार्य करने का काम करते हैं। ये तो हमारे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए। नहीं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी हमें सुधारनी पड़ेगी, बहुत सुधारनी, और उसमें कहीं ना कहीं योगदान हम लोगों का भी चाहिए, जनता का भी। जनता का एक नजरिया बन चुका है पुलिस को देख के करप्ट समझने, करप्ट समझने, समझने, समझने का। लेकिन पुलिस नहीं है ऐसी, ऐसी नहीं है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो कुछ लोगों की वजह से वही है कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, गंदी मछली। तो ये सब चीज़ें हैं। और सर मैं आपको बताऊं, जब बुलंदशहर में देखिए आप इस देश की राजनीतिक सोच और अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए मेरे देश के राजनेता किस किस तरीके की भूमिका मेरे देश की लोगों के बीच में, सामाजिक तत्वों के बीच में अपनी पेश करते हैं। जब बुलंदशहर जैसे हाईवे पर मेरी माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई, हाईवे पर बुलंदशहर में जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, इज्जत लूटी जा रही थी और चीख चीख के वो अपनी जान बचाने का काम कर रही थी। उसके बाद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री, मैं नाम लेने से भी नहीं हिचकूंगा, मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा बयान आता है कि अक्सर युवाओं पर ऐसी गलती हो जाती है। अरे किस तरह की सोच आप और पेश करने का काम मेरे देश के युवाओं के बीच में कर रहे हैं। लेकिन यही मैसेज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये मैसेज उल्टा दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं अब युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का काम शुरू हो चुका है। और ये सच्चाई भी है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं, किसानों को 6,600 करोड़ रुपए भी दिया था, 373 करोड़ फसल नुकसान का दिया था, 223 करोड़ रुपए आपका ओलावृष्टि का दिया ये था। सब दे ठीक है, लेकिन कर्ज माफी देख के पता है आप किसानों को ये सिखा रहे हो कि आज आप ले लो, अगली सरकार का वेट करो, चुनाव का मुद्दा हम बनाएंगे, कर्ज माफी का अपने चाटुकारिता कराने का काम कर रही है सरकार। माफ करना कमर तोड़ने वाली बात, कमर तोड़ने वाली बात, सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, हाँ, खुद के लिए सक्षम बने। और ये हमें जागरूक भी करना पड़ेगा, घर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा। ज्ञान अब आपको किसी को भी लालच में नहीं आना है, काबिलियत के ऊपर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और समाज में एक ऐसा स्तर खड़ा करना है। किसान भी पढ़े लिखे होते हैं, बहुत से किसान खेती करते हैं। मैं अपने देश के एक बहुत महान विभूति, बहुत बड़े एक्टर का नाम लेना चाहूँगा आपके सामने, धर्मेंद्र देवल, धर्मेंद्र धर्मेंद्र देवल
सन्नी देवल के पिताजी, अच्छा, उतनी अच्छी खेती कर रहे हैं, वो एक्टर थे, लेकिन देखिए अगर खेती बुरी होती तो खेती की तरफ क्यों जाते, वो आज खेती करने का काम कर रहे हैं, वो किसान बने हुए हैं, वो फसल उगाने का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सब चीज़ें, तो ऐसी बात नहीं है। और ये तो एक हमारे सरकारों की नीति बन चुकी है, जिस तरीके से अमेरिका पहुंचा और उसमें नुकसान हमारा है, सरकारों का नहीं है। अमेरिका में क्या एक 17 मंजिला इमारत है, उसमें क्या आप नीचे से ऑर्डर करेंगे 5 मिनट में ऊपर से बन के आ जाएगा, लेकिन वो आप समझने की बात है, वो जो खाएंगे बर्गर पिज्ज़ा चावल, वो कोई भी फसल जो है वो खेती का नहीं है, वो खेती द्वारा नेचुरल नहीं है, वो केवल सब बनाया गया है, चावल प्लास्टिक का आने लगा है। तो यही हमारी सरकारों की नीति बन चुकी है फिर दोबारा, कि वो अमेरिका की तर्ज पे चले और किसान को बीमार बना दे, किसान को मजदूर बना दे, उनको नौकरी करने के लिए मजबूर कर दे, उनकी ज़मीनों को छीने और देश को एक ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन ऐसे नहीं पहुंचा, ये ऐसे नहीं पहुंचेगा, ये नुकसान रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, इन सब मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और भविष्य में मैं चाहूँगा कि इसी तरीके की चीज़ें होती रहे जी, और ऐसी चर्चा होती रहेगी जिससे कि आपका और हमारा ज्ञान बढ़े और पता लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।